So we have gone through and we built a constructed frequency distribution and uh, presenting the data graphically. Just now descriptive, me data ko organize or present kar rahe But now we will see ke kitna easy hai ye sare, uh, using SPSS software. Because we have so many tools and techniques available now. Isse bhi advanced softwares and just we can make beautiful interactive charts or graphs hain, but we will just practice only those what we have covered in our uh, previous lecture uh, so let's start and see how magical within no time you can make so good and interactive graphs and you can calculate frequency distribution percentiles in no time so i will just close this and i'll go to spss and i'll enter the same data that we have used in previous example जहाँ पे हमने मैनुअली उसको कैलकुलेट किया है सो so, ये हमारे पास ट्वेंटी स्टूडेंट्स का डेटा है फर्स करें ये हमारे स्कोर्स हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के ऊपर और इसको हम ये हमारा डेटा व्यू की विंडो है जिसके अंदर हमने बताया कि हर कॉलम एक वेरिएबल को करता है और जब भी हमने इसके साथ कोई प्रोसेस करना है तो हम इसको वेरिएबल व्यू में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे इसका नाम हम देंगे मे बी हम उसको स्कोर्स कह सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसका टाइप ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही है तो उसको आप नुमेरिक रहने देंगे विट्थ भी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी है क्योंकि ये हमारा स्कोर है तो मे बी आप डेसीमल्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते इसका आप लेबल लंबा कर सकते हैं वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं लेकिन चूंकि फिलहाल हम इसको सिंपल स्कोर कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसको सिंपल ऐसे ही जाने देंगे और यहाँ पे आपको मेजरमेंट के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि इट्स अ स्केल इफ़ इट इज़ अ नूमेरिकल डेटा तो आपको स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा लेकिन अगर कैटेगोरिकल डेटा होगा तो हम यहाँ पे ऑर्डिनल या नॉमिनल सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्कोर है जो कि नूमेरिकल वैल्यूज हैं तो हम इसको स्केल सेलेक्ट करेंगे नाउ सबसे पहले हमने क्या बनाया था हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था तो हम इसके अंदर स्पेसेस के अंदर ही इस डेटा सेट के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं कैसे बनाएंगे वी विल गो टू एनालाइज वी विल गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड देन वी विल गो टू फ्रीकुंसिस इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको याद कर लें एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड फ्रीकुनसिस यू विल क्लिक फ्रीकुनसिस एंड देन यू विल कैलकुलेट स्कोर्स और उसके अंदर आप उसमें स्टेटिस्टिक्स में फ़िलहाल इसको फ्रीकुनसीज ही रहने दें ये बाकी सारे फंक्शनस हम बाद में करेंगे जब हम इसको रन ओके okay करेंगे तो ये हमें एक फ्रिक्वेंसी दे डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा इस तरह से जिसमें उसने हर स्कोर के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी है कि टू कितनी दफा आकर कर रहा है फ़ोर कितनी दफा आकर कर रहा है और सिमिलरली परसेंट भी दे दी है वैलिड परसेंट का कॉलम तब यूजफुल होता है जब हमारे पास बहुत सी मिसिंग वैल्यूज़ हो मसलन कुछ डेटा बच्चों का अगर स्कोर अटेम्प्ट नहीं किए या फिर कुछ मिसिंग डेटा है तो फिर उसमें वैलिड परसेंट हम निकालते हैं यानी मिसिंग केसेस को निकाल के लेकिन चूंकि हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है ट्वेंटी के ट्वेंटी ऑब्जर्वेशनस हैं तो इसलिए इस कॉलम का कोई इतना ज़्यादा नहीं बनता यू सी कि जस्ट विद वन क्लिक हमारे पास एक्स कोर्स का भी कॉलम आ गया फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आ गया परसेंटेज भी आ गई और फिर उसका क्यूमुलेटिव परसेंट भी आ गई जो हमने परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने के लिए कॉलम बनाया था तो ये उसकी क्यूमुलेटिव परसेंट है और क्यूमुलेटिव मैंने आपको बताया है कि चूंकि ये आप डेटा सेंडिंग ऑर्डर में यानी वैल्यूज बढ़ रही हैं तो इसने फिर उसको फाइव और उसके नीचे वाली वैल्यू जमा करके टेन और फिर टेन में टेन जमा किया है तो ट्वेंटी ट्वेंटी में फिर ये नीचे वाली वैल्यू जमा की है तो थर्टी और सिमिलरली हर वैल्यू में उससे नीचे वाली वैल्यू हम जमा करते जाते हैं एंड दिस इज हाउ वी अचीव अक्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी अकेूमुलेटिव परसेंटेज कॉलम ये तो होगी हमारी एक बात सो फॉर द ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वी विल गो टू द ट्रांसफॉर्म और हम इसमें जाएंगे विजुअल बिनिंग के ऊपर जब हम विजुअल बिनिंग में गए हैं इट विल आस्क अस कि किस वेरिएबल को आपने ग्रुप करना है यू विल सेंड योर स्कोर्स वेरिएबल टू द वेरिएबल टू बी बेन्ड उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको स्कोर्स दे रहा है आपको मिनिमम वैल्यू आपके डेटा सेट में दे रहा है और मैक्सिमम दे रहा है एज यू कैन रिकॉल कि हमने आइडिया किया था कि रेंज कितनी है दैट वी डिड मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस वन करके की थी इसमें ट्वेंटी टू माइनस टू प्लस वन ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन बन रहा है तो हम इसमें देखेंगे कि हमने कितनी बनानी है यहाँ पे आपको नाम ज़रूर देना पड़ेगा बेंड वेरिएबल का क्योंकि ये बेसिकली आपके डेटा सेट के अंदर एक वेरिएबल ऐड कर देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर वो डाल देगा सो हम उसको कह सकते हैं ग्रुप्स का वेरिएबल दे सकते हैं ग्रुप्स और उसके बाद आपने इसको एक्सक्लूडेड कर दें या इंक्लूडेड कर दें दैट डजेंट मीन लेकिन ये होता है कि फिर वो जो सबसे लोअर लिमिट होती है या सबसे अपर लिमिट होती है उसकी लोएस्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता दैट आई विल शो जब ये इसका स्पिट आउट करेगा सो इसके अंदर अब आपने कट पॉइंट्स बनाने हैं यू विल हिट मेक कट पॉइंट्स और वो पूछेगा कि फर्स्ट कट पॉइंट कितने पे बनाना है चूँकि मेरा डेटा टू से शुरू हो रहा है तो मैं कहूँगी फाइव पे पहला कट पॉइंट बनाए और फिर नंबर ऑफ़ कट पॉइंट्स मैं ख़ुद भी इसको दे सकती हूँ चूंकि ऑलमोस्ट हमारा ट्वेंटी वन का रेंज है डिस्पर्शन की तो मैं उसको कितने में डिवाइड कर दूँ अगर मैं टू का करूँगी तो टेन क्लासेस बन जाएंगी और अगर टेन इलेवन बन जाएंगी और अगर मैं थ्री का करूँ या अगर मैं फ़ाइव का करूँगी तो मे बी वो सिर्फ फ़ोर क्लासेस बनेंगी सो so अगर मैं यहाँ पे इसको विथ बता दूँ कि फ़ोर का इंटरवल कर दे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि इतने कट पॉइंट्स से इतनी क्लासेस बन जाएंगी विच इज़ फाइन फाइव इज़ मिनिमम हमने रूल ऑफ थम में बात की थी कि फ़ाइव टू टेन तक ठीक है सो आई विल गो विद इट एंड आई विल हिट अप्लाई जब मैंने अप्लाई किया तो आप इसमें करेंगे मेक लेबल्स तो ये उसने क्लासेज आपकी बना दी हैं फ़ाइव और बिलो जिसमें आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे हमारे डेटा में टू मिनिमम पॉइंट है सो जीरो टू फाइव पहली कैटेगरी फिर फाइव टू एट फिर नाइन टू ट्वेल्व ये उसने क्लासेज हमारी बना दी हैं अब इसको जब मैं कहूंगी ओके okay, तो ये मेरे डेटा सेट के अंदर बेंड स्पेसिफिकेशन विल क्रिएट वन वेरिएबल वो कर देगा अब अगर आप डेटा सेट में देखेंगे तो उसने ये ग्रुप्स बना दिए हैं कि ये स्कोर ग्रुप वन में है ये स्कोर ग्रुप टू में है पांच वाला जो अगली हमारी कैटेगरी है सो so इसने इस तरह से लेकिन इफ़ यू वॉन्ट एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने हाथ से बनाया है तो आप इसको फिर एनालाइज पे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे और अब बजाय स्कोर्स के वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी के आप अपने इस वेरिएबल की फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे यू डोंट नीड टू गो एनी वो हम फंक्शन सारे बाद में करेंगे तो ये हमारे पास उसने आउटपुट फाइल हमेशा एस पी अलग से देता है किसी भी एनालिसिस के लिए ये हमारा उसने ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया सो ज़ीरो टू फाइव आपकी दो फ्रीक्वेंसीज हैं फ़ाइव टू एट नाइन टू ट्वेल्व थर्टीन टू सिक्सटीन ये सारा हमारा उसने आगे परसेंट भी वैलड परसन बी और क्यूमलेटिव पर्सन बी निकाल दिया सो एग्जैक्टली वी डिड बाई हैंड टेकिंग द स्कोर इन टू क्लासेज एंड वी पुट पुटेंसी फॉर ईच क्लास इसने हमारे लिए ये सारा कर दिया सो दिस इज फ्रीकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन अब हमने देखते हैं ग्राफ्स कैसे बनाएंगे हम अगर एनालाइज में ही जाएं और डिस्क्रिप्टिव में ही जाएं और फ्रिक्वेंसीज पे ही जाएं और हम अपने स्कोर के वेरिएबल को ही लें जो हमारे पास ओरिजिनल है हम देखें इसके अंदर ये एक टैब है स्टिस्टिक्स की इस स्टेटिस्टिक्स में पूरे का पूरा डिस्क्रिप्टिव आपका छुपा हुआ है आप क्वार्टाइल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप कट पॉइंट्स अपनी मर्जी के भी कर सकते हैं परसेंटाइल्स भी याद रखें पर्सेंट जो होते हैं हमारे नाइन्टी नाइन परसेंट होते हैं जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि परसेंटाइल्स आर रैंक्स और पोजीशंस किसी भी लाइन को अगर हमने हंड्रेड पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें नाइन्टी नाइन कट लगाने फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस लाइन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मुझे थ्री कट्स लगाने पड़ेंगे तो वो तीन क्वार्टाइल्स आ जाएंगे सो so, हमारे क्वार्टाइल्स चार हैं हमारे कट पॉइंट्स हम अपनी मर्जी के बता सकते हैं कि हमारे डेटा को टेन इक्वल ग्रुप्स में कर दे या परसेंटाइल्स कर दे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहती हूँ कि हमारे डेटा का फिफ्टियथ परसेंटाइल हमारा कैलकुलेट करके दे या उसको क्वा भी कह सकते हैं लेकिन चले मैं फिफ्टियथ परसेंटाइल से कहती हूँ कि निकाल दे कट पॉइंट्स फ़िलहाल रहने दें इसके अंदर हम इसमें ये मयस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने नहीं पढ़े ये हम बाद में बात करेंगे मिनिमम मैक्सिमम हमारे डेटा की दे दे ये भी हम निकाल सकते हैं लेकिन वी विल टॉक अबाउट इट लेटर कंटिन्यू करके ये हमारे पास चार्ट हैं चार्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपका हिस्टोग्राम की ऑप्शन आ रही है आप इसको क्लिक करके और शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम भी आप कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो इसको लीव भी कर सकते हैं सो यू विल कंटिन्यू लेट्स सी व्हाट इट गिव यू आप ओके बटन करेंगे तो इट विल गिव यू दिस्टोग्राम जो के है और हमारा उसके ऊपर उसने नॉर्मल कर्व भी एक किस्म का ड्रॉ कर दिया है कि डेटा किस तरह से है सो so, देखेंगे डेटा ज़्यादा वैसे इस तरफ पाइलअप हो रहा है लोअर साइड के ऊपर और ये हमारा हिस्टोग्राम हमने मैनुअली भी बना के देखा हुआ है और अब हम देखते हैं कि इसने पर्सन टाइल हमारे कैलकुलेट ये हमारी फ्रिक्वेंसी टेबल उसने बनाया जो हमने सबसे पहले वाले क्लिक में किया है हर स्कोर के अगेंस्ट फ्रिक्वेंसी और उसका परसेंटेज और ये हमारा उसने फिफ्टी परसेंटाइल निकाल दिया जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था नाइन का स्कोर अपने डेटा में सो इट हैज कैलकुलेटेड 50th परसेंटाइल इज नाइन सो इसके अलावा हमने मैनुअली क्या कैलकुलेट किया हमने ओजाइव बनाया था क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व हमने बनाया था जिसको ओजाइव भी कहते हैं लेट्स सी कि हमने जो ग्राफ्स बनाए हैं इंक्लूडिंग ओजाइव परसेंटाइल ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं सो so, आपके पास एस पी एस एस के अंदर ये मेन्यू है जो कि बहुत रिच है ग्राफ्स का इसके अंदर आप चार्ट बिल्डर में भी जा सकते हैं और आपका लेगेसी डायलॉग के अंदर भी ऑलरेडी उसने सारे के सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं सो यू कैन गो फ्रॉम हियर लेट्स से कि हम इसके अंदर जाके हिस्टोग्राम बनाते हैं हिस्टोग्राम आपने स्कोर्स का ऑलरेडी बनाया है सो यू विल सेलेक्ट द वेरिएबल सेंड इट टू द वेरिएबल एंड देन यू विल हिट ओके तो आपका वो हिस्टोग्राम बन के आ जाएगा इसी तरह आप उसको लेगेसी चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं चार्ट बिल्डर में जब हम जाते हैं तो हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं ये उसने बेसिकली चार्ट्स की टाइप दी हुई है आप हिस्टोग्राम पे क्लिक करेंगे आप इसको सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इस तरह का हिस्टोग्राम चाहिए यू विल ड्रैग इट टू द चार्ट चार्टीव्यू बॉक्स और उसके अंदर फिर आपने एक्स एक्सिस पे जो भी वेरिएबल रखना है यू विल सेलेक्ट द वेरिएबल एंड यू विल ड्रैग इट टू द एक्स एक्सिस इट विल मेक द हिस्ट्रोग्राम फॉर यू ये ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसीज वाई और एक्सिस पे दे देगा और नीचे हमारे स्कोर्स दे देगा वी विल हिट ओके बटन एंड अगेन वी हैव आस्टोग्राम उसके अलावा हमने पॉलीगॉन बनाया था हम इसी डेटा के ऊपर पॉलीगॉन बनाएंगे लेगेसी चार्ट में जाएंगे लाइन चार्ट उसको कहते हैं लाइन चार्ट में आपके पास दो ग्रुप्स का भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है यू विल सेलेक्ट अ सिंपल पॉलीगॉन डिफाइन करेंगे इसको और डिफाइन करने के बाद आप अपने स्कोर को कैटेगरी एक्सेस पे आपके स्कोर्स आ जाएंगे और आप चूंकि अभी फ़िलहाल हमने कोई और वेरिएबल नहीं डाला ये उसने हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया है एंड एज यू कैन सी कि हमारी हाइट ऑफ दिस कर्व जो है वो फ्रीक्वेंसी को ड्रेस करती है कि फॉर एग्जाम्पल पाँच का स्कोर हमारा इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है सो दिस इज़ फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज़ स्कोर एंड दिस इज हाउ वी मेक अ पॉलीगॉन अगर हमने इसका ओजाइव बनाना है विच इज़ बेस्ड ऑन किूमलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम इसके अंदर जाके लाइन चार्ट को ही सिलेक्ट करेंगे और लाइन चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल सिलेक्ट करेंगे और हम उसको डिफाइन करेंगे वी ऑलरेडी हैव स्कोर्स ऑन द कैटेगरी एक्सिस क्योंकि एस पी एस एस के अंदर जो हमने पीछे एनालिसिस किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली ये स्टोर कर लेता है अनटिल और अनलेस हम यहाँ जाके री uh, का बटन uh, ना करें ये नीचे री लिखा हुआ है तो अब हमने इसको क्यूमलेटिव एन या क्यूमलेटिव परसेंटेज क्लिक करना बजाय नंबर ऑफ केसेस के वी विल सेलेक्ट क्यूमलेटिव परसेंटेज क्यूमलेटिव परसेंटेज का मतलब है कि ये हमारे लिए परसेंटेज कर्व बनाएगा विच इज ओजाइव वी विल हिट ओके बटन एंड एज यू कैन सी कि हमारा विद इन नो टाइम उसने हमारा क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या क्यूमलेटिव परसेंटेज कर्व बना दिया है एंड एज यू कैन रिकॉल कि हम क्यूमलेटिव परसेंटेज कर्व से वी कैन रीड परसेंट टाइल्स सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन हीयर एंड वी कैन सी किस एटियथ परसेंट टाइल हमारे डेटा के अंदर क्या है विच इज़ रफली ये वाला स्कोर आ रहा है इसने बिंड के ऊपर बना दिए हम उसको अच्छा एक और मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन एसपीएस का बताया था कि हमारे जो लास्ट अनालिस हमने किए होते हैं वो हमारे इस बटन के अंदर हिडन होते हैं देखिए हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं तो सिंपल फिर हम उसके अंदर अगर जाएंगे फ्रिक्वेंसी कर्व के अंदर और हम इस वेरिएबल की बजाय अपना स्कोर्स का वेरिएबल ही लेंगे और हम ओके okay करेंगे तो हमारा उसने कर दिया है पर्सेंटाइल कर्व एंड वी कैन डेफिनेटली रीड परसेंटाइल्स फ्रॉम इट व्हाट एज वी हैव डन अगर हम इसको अब देखिए अब आपके डेटा सेट के अंदर उसने एक कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐड कर दिया ये बेसिकली ग्रुपिंग वेरिएबल है जिसका मतलब है कि एक नंबर पहली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है या पहली क्लास इन को या कैटगरी को प्रजेंट कर रहा है सो so, अगर आप ग्रुप्स के वेरिएबल में जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डिनल वेरिएबल है हम इसके साथ बाकी चार्ट्स बना सकते हैं जैसा हमने कहा था कि पाई चार्ट है बार डायग्राम है वो हम इसके साथ देखते हैं कि हम इसमें कैसे बना सकते हैं सो वी विल गो टू ग्राफ्स वी कैन गो थ्रू चार्ट बिल्डर और वी कैन गो थ्रू वाट एवर इज चार्ट बिल्डर में फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्जी के चार्ट एलिमेंट भी बेसिक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का आपको चाहिए आप ग्रुपस्ट अपनी मर्जी से डिफ़ाइन कर सकते हैं और भी बहुत से फीचर्स इसके अंदर हैं कि आप अपनी मर्जी से उसका बना सकते हैं बट एट बेसिक लेवल आई थिंक इट इज़ गुड टू गो थ्रू लेगेसी डायलॉग एंड देन यू विल सेलेक्ट अ बार डायाग्राम सो बार डाइग्राम है जैसा हमने स्टैक्ड और क्लस्टर्ड बार डाइग्राम भी पढ़ा है लेकिन फिलहाल हम सिर्फ सिंपल बार डाइग्राम करेंगे डिफ़ाइन करेंगे और हम उसे स्कोर्स के ऊपर कहेंगे कि बार डायग्राम बनाए और नंबर ऑफ केसेस बनाए यू कैन हैव नंबर ऑफ केसेज और बार डायग्राम फॉर ईच स्कोर आपका उसने बना दिया कि कितना ज्यादा आ रहा है बार डायग्राम हमने उसे बनाना था उसकी चूंकि ये कंटिन्यूस डेटा था वी शुड मेक इट ऑन द नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा सो आई विल गो अगेन

अगेन आप इसमें समरीज डिफाइन कर सकते हैं आई विल टेक आ नॉमिनल और ऑर्डिनल ग्राफ डेटा विच इज़ अ बेंड वन उसको मैं करके आप उसमें परसेंटेज भी कर सकते हैं नंबर भी कर सकते हैं सेम थिंग है और ये हमारा पाई चार्ट बना देगा जिसका मतलब ज़्यादातर लोग हमारे फाइव टू नाइन या फाइव टू एट के दरमियान नंबर ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टेस्ट और असाइनमेंट के ऊपर आप इसके अंदर अगर चार्ट को डबल क्लिक करें तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं जब आप डबल क्लिक करते हैं तो चार्ट एक सेपरेट विंडो में खुल जाता है आप इसके अंदर आपने अगर इसकी वैल्यूज़ भी प्लेस करनी है तो आप उसमें इसकी वैल्यूज़ भी प्लेस कर सकते हैं उसकी टाइटल्स भी कर सकते हैं आपके पास सारी ऑप्शंस इसके अंदर हैं जैसा फ़र्ज़ करें ये उस आपके साथ एक खुल जाता है इसमें आपका चार्ट साइज उसने दिया हुआ है आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं आप उसमें टाइटल्स दे सकते हैं आप उसके अंदर वैल्यूज़ जैसा अगर मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ प्लेस करनी है कि कितने परसेंट हैं तो आई सेलेक्ट दिस एंड देन इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि वो मुझे उधर से रीड करा दे ये मेरा है सर्ट टाइटल अगर मैंने इसका टाइटल बनाना है तो मैं इसको क्लिक करूंगी यहाँ पे मैं अपना टाइटल टाइप कर सकती हूँ और वो इसके ऊपर आ जाएगा मसला स्कोर ऑन स्टेटिस्टिक्स टेस्ट स्कोर ऑन test ठीक है ये कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने इसमें वैल्यूज़ देनी है इसका साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं आप इसकी लेबल्स भी दे सकते हैं ये आप डिलीट कर देंगे और इसको आप कॉपी पेस्ट करके अपनी वर्ड फाइल में कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट के अंदर भी लगा सकते हैं दूसरी मैं बात करी थी कि हम इसमें वैल्यूज़ कैसे प्लेस कर सकते हैं आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करके भी कर सकते हैं और आप उसके अंदर वैल्यूज़ values... यहाँ पे भी एक आपका बटन होता है कि आप उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं ये डेटा लेबल मोड अगर आप डेटा लेबल मोड सेलेक्ट करते हैं तो ये आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे ये उसका वैल्यू फिफ्टीन परसेंट ये वाला पोर्शन है 35 थर्टी फाइव परसेंट ये वाला है आप जहाँ क्लिक करेंगे आपकी हर पाई का वो शेयर बता देगा कि कितने परसेंट इस डेटा के अंदर ये वाली चीज़ है सो सुधिया मेनी अदर फंक्शंस ऑल्सो जिसके अंदर आप एक्स और वाई एक्सिस को कर सकते हैं लेजेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो बजाय आप इसकी वैल्यूज़ के यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये कौन से लोग हैं सो सुधिया सो मेनी फंक्शन यू कैन यू नो हिट एंड ट्रायल के साथ यू कैन प्ले विद इट अलटेट और हमने क्या किया बार ग्राफ पाई चार्ट और क्लस्टर्ड बार ग्राफ हमने किया क्लस्टर्ड बार ग्राफ होता है जैसे मैंने कहा कि कैटेगरी की सब कैटेगरी होती है फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं जेंडर का वन टू वन टू वन टू

एड करूंगी और टू इज फॉर मेल दिस तो ये मैंने ऐड करके ओके कर है okay अब मेरा ये वेरिएबल क्रिएट हो गया एस पी एस एस नोस के दिस इज अ जेंडर वेरिएबल वेयर नंबर्स हैव नो क्वांटिटेटिव वैल्यू रादर वन इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल एंड टू इज रिप्रेजेंटिंग मेल आई विल गो टू द ग्राफ्स एंड देन आई विल गो टू द बार चार्ट और मैं ऐसे कहूँगी कि क्लस्टर्ड बार चार्ट बना दे उसको मैं डिफाइन करूंगी तो मैं कहूँगी कि मेरे कैटेगरी एक्सेस पे इट इज़ अप टू यू कि आप क्या चाह रहे हैं आप डिफ़ाइन क्लस्टर्स बाय किस तरह से करना मैं कहूँगी कि डिफाइन क्लस्टर्स बाय जेंडर और कैटेगरी एक्सेस पे मेरे बिन याद रखें कि बार डायग्राम के लिए हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो नॉमिनल जो ऑर्डिनल लेवल के ही होते हैं कंटिन्यूस के ऊपर फिर हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं सो नंबर ऑफ केसेस हैं आई विल हिट ओके बटन थोड़ा सा इसका स्क्रीन का शायद इशू है ये मैंने ओके okay किया है और उसके बाद हमारा ये क्लस्टर्ड बार जो इसकी मैं बात कर रही थी नाउ इट हैज़ गिवन अ लेजेंड इसको कहते हैं लेजेंड का मतलब है कि आपको बताता है कि डार्क ब्लू स्टैंड फॉर फीमेल एंड दिस स्टैंड फ़ॉर मेल और अगर आप देखें तो आप आइडिया कर सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इस कैटेगरी में हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही थी इसमें है जबकि मेल नाइन टू ट्वेल्व में भी ज़्यादा हैं और इसमें भी ज़्यादा हैं सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक अ क्लस्टर्ड और मल्टी बार डायग्राम और आई थिंक दिस इज़ प्रटी मच इट जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था बार डायग्राम क्लस्टर्ड और स्टैक बाल डायग्राम अच्छा इसमें स्टैक भी ऑप्शन होती है जैसे आपने अगर गए हैं तो आपने बार डायग्राम पिक किया है तो उसके अंदर ऑप्शन होती हैं कि आप किस तरह का चाह रहे हैं इसको इट कैन बी लाइक पर से ये बार है तो मैं उसमें उसकी ऑप्शन थ्री डी भी दे सकती हूँ इस तरह का भी इस तरह का भी दे सकती हूँ उसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और फिर उसको हॉरिज़ॉन्टली भी कर सकती हूँ बजाय बार सीधी खड़ी होने के उसको मैं अदर वे भी कर सकती हूँ